लोरमी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और सट्टा पार्टी का मामला जोरों से चल रहा है, फल फूल रहा है। वहीं लगातार क्राइम से नगरवासियों को काफी परेशानियों का दौर से गुजरना पड़ रहा है। आज इसमें अंकुश लगाने और कार्रवाई को लेकर लोरमी सर्वदलीय मंच के प्रतिनिधि मंडल ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम लोरमी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रभारी महोदय के पास ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एसपी साहब को भी अवगत कराया गया है। सर्वदलीय मंच का मांग ये है कि अभी लगातार लोरमी में जो है क्राइम की स्थिति काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जहां पर नौयुवक लोग नशे की हालत में आकर रात होते ही लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं और खुलेआम नशा का सेवन करते हैं और 1 से लेकर 15 बार तक के जगह जगह पर शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा खिलाया जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर आज हम सर्वदलीय मंच की तरफ से लोरमी थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिए हैं और उन्हें कार्रवाई करने के लिए निवेदन किए हैं। थाने आए थे अभी 5-10 मिनट पहले, एक ज्ञापन दिए हैं एसपी के नाम से द्वारा थाना प्रभारी लोरमी। शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नशे का कारोबार करने का युवा सट्टा संबंधी एवं बाइक स्पीड में चलाने, साइलेंसर खोलने इस संबंध में शिकायत की, जिसके संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी।